एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सेना के सूत्रों का कहना है कि कल से अब तक जो समझौते की कोशिशें हो रही हैं, उनका कोई खास असर नहीं हुआ है। सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बातचीत से हालात में कोई बदलाव नहीं आया। न सिर्फ लद्दाख बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के और हिस्सों में भी सेना अलर्ट मोड में आ चुकी है। आपको बता दें कि चीन ने एक बार फिर एलएसी पर भारत के साथ धोखा किया। चीनी सैनिकों के साथ बातचीत करने गई भारतीय सैनिकों की टीम को घेरकर उस पर हमला किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने बताया है कि कम से कम 20 जवान भारत के शहीद हो गए हैं और भारतीय सेना उन शहीद जवानों के नाम भी बर्दाश्त सार्वजनिक करेगी। लेकिन चीन की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह बात भी भारत ने साफ साफ कह दी है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त और जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र बताइए, क्या अपडेट आपको मिल रहा वहां से? देखिए रोहित, ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो अभी भी वैसे ही बनी हुई है। जो सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक सेना ने अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो स्थिति है वहां पर अलर्ट भी जारी करते हुए और ज्यादा ट्रूप्स की संख्या बढ़ा दी है। जो जानकारी आईटीबीपी की तरफ से आज तक को मिली है उसमें सबसे बड़ी बात है कि आईटीबीपी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 180 बीओपीज उनके हैं, वहां पर भी संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही एलआरपी और एसआरपी की जो संख्या होती है, लॉन्ग रेंज जो पेट्रोलिंग होती है और शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग, उसमें भी तब्दीली की गई है और उसको अब ज्यादा संख्या में किया जा रहा है। तो इस तरीके की जानकारी अलग अलग जगहों से आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय सेना के जो 20 जवान शहीद हुए हैं, सेना के सूत्रों ने जानकारी दी है कि उनको भी आज उनके सारे नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। जिस तरीके की घटना हुई है गलवान वैली में, वहां को देखते हुए बड़े स्तर पर अब जो मीटिंग हुई थी, कल 4 मीटिंग हुई थी, मीटिंगों का जो सिलसिला चला उसमें सीसीएस की मीटिंग सबसे महत्वपूर्ण थी रोहित, और इस मीटिंग में तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और वर्तमान स्थिति को भी देखा गया कि उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि ग्राउंड की सिचुएशन अभी भी वैसे ही बनी हुई है, वहां पर किसी भी तरीके का परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा है। आईटीबीपी के डीजी जो है वो कल गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने हर एक जगह की जानकारी दी है, क्योंकि उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा जो दूसरी जगह है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर चीन की क्या स्थिति है उसकी भी पूरी विस्तृत रिपोर्ट आईटीबीपी के डीजी ने गृह मंत्री अमित शाह को दी है। तो वर्तमान समय में जो स्थिति है उसको पूरी जानकारी चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, विदेश मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय, सभी अधिकारियों से ले रही है और इस पर आगे क्या कदम उठाया जाएगा उस पूरी सिचुएशन को इस वक्त मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। और वापस आते हैं जितेंद्र आपके पास, इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि अब बहुत हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, वो क्या छुपा रहे हैं? ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि हम जानना चाहते हैं आखिर क्या हुआ, बहुत हो चुका है, हमें जानना है कि आखिर हुआ क्या। ये बात राहुल गांधी ने लिखी है और कहा कि चीन की इतनी हिम्मत कैसे हुई। भारत चीन झड़प पर राहुल गांधी का ये ट्वीट है। आपको बता दें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अब से कुछ मिनट पहले ये ट्वीट किया है और सीधे सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि वो देश के सामने आकर स्थिति को साफ क्यों नहीं कर रहे कि आखिर हुआ क्या था वहां पर, क्या हुआ अचानक कि जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस समय लाइव आ चुके हैं। हिमांशु बोलिए, क्या जानकारी आपके पास आ रही? देखिए मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से तो ये दोनों कोशिश की जा रही है कि सेना जो है वो जवाब भी दे और कूटनीतिक स्तर के ऊपर जो है भारत एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है। रोहित मैंने ये बात पहले भी कही थी कि कल सेना की तरफ से स्टेटमेंट आया और उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था
की जो घटना हुई है उसमें चीन जो है वो अपने आप को बड़ी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण है कि भारत डिप्लोमेटिक स्तर पर जो है चीन को जो है वो एक्सपोज करना चाहता है कि भारत बातचीत के जरिए रास्ता सुलझाना चाहता था, लेकिन चीन ने जिस तरीके की हरकत की और जिससे भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं वो एक बड़ी घटना है, और भारत चाहता है कि विदेश स्तर पर जो है, विदेशों के मंच पर जो है, उस पर इस बात को उठाया जाए और सेना भी जो है वो लगातार अपनी ये कह सकते हैं कि मजबूती के साथ वहीं खड़ी है बॉर्डर पर और सामना कर रही है चीन का। ये एक चीज ये है कि भारत की तरफ से एक इंच पीछे नहीं हटा जाएगा जब तक मामला बॉर्डर पर नहीं जाता। तो सेना जवाब देगी, लेकिन राहुल गांधी को तो सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा ना। सरकार की तरफ से इतना सन्नाटा क्यों है कल से? देखिए, सरकार की तरफ से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, अगर कोई सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है तो सरकार की प्रायोरिटीज में जो है अगर ये कहा जाए तो अभी सबसे पहले इस सिचुएशन को देखना है, इस सिचुएशन को हैंडल करना है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष को बाद में भी जवाब दिया जा सकता है, और राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा सकता है जब भी इस तरीके की घटना होती है तो वो सरकार पर सवाल जरूर उठाते हैं, और लेकिन जब भी मौका मिलता है तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या अन्य कोई वरिष्ठ मंत्री जो है राहुल गांधी को जवाब जरूर देते हैं, लेकिन सिचुएशन को पहले हैंडल करने की जरूरत है, और शायद राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो उठाए ठीक है, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत हो सकती है, क्योंकि इस वक्त भारत सरकार पर सवाल ना उठाना ज्यादा अच्छा रहता उनके राजनीति के लिए, ये कह सकते हैं, क्योंकि विपक्ष और सरकार की सत्ता पक्ष की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन जब एकजुट होकर दिखना, और यही बात प्रधानमंत्री हमारे सहयोगी लगातार वहां से जानकारी देंगे, जितेंद्र बहादुर सिंह, अशरफ वानी, हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त मौजूद हैं, वो सब लगातार नजर रखे हुए। विश्वासघात बर्दाश्त नहीं होगा, शहादत का हिसाब होगा। 1962 के बाद पहली बार भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। जिस तरह से लद्दाख के गलवान इलाके में चीन ने धोखे से निहत्थे भारतीय सैनिकों पर हमला किया, उसने चीन के इरादों को बेपर्दा कर दिया। इस विशेष बुलेटिन में हम सामरिक विशेषज्ञों के साथ इस अहम मुद्दे पर बात करेंगे, और साथ ही अपने संवाददाताओं के जरिए भारत और चीन के बीच तनाव की पल पल की जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले आपको जल्दी से अब तक का अपडेट हम दिखा रहे हैं कि गलवान में असल में हुआ क्या था। झड़प की यह घटना 15-16 जून की रात हुई थी। भारतीय सैनिकों का दल कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में चीनी कैंप में गया था। आपको बता दें कि भारतीय दल कोई हथियार लेकर नहीं गया था, क्योंकि जिस चीनी कैंप में वो गए थे वहां रोजाना कर्नल स्तर की बातचीत हो रही थी। भारतीय दल चीनी सैनिकों से पीछे हटने को लेकर बनी सहमति पर बात करने के लिए गया था, लेकिन वहां भारतीय सैनिकों को चीन का धोखा मिला। बोल्डर्स, पत्थर, कटीले तारों और कील लगे डंडों से चीनी सैनिकों ने भारतीय दल पर हमला किया। कमांडिंग अफसर और हवलदार को जवान तुरंत अपने खेमे में लेकर लौट आए। हालांकि इस दौरान जख्मी कुछ सैनिक वहीं रह गए। करीब 40 मिनट के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी गुस्ताखी का पूरी ताकत से जवाब दिया। भीषण हिंसक झड़प हुई। हमले में 50 से ज्यादा चीनी सैनिक जख्मी हुए। भारत का जवाब इतना तगड़ा था कि चीनी कैंप के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी ने हाथ उठाकर शांति का इशारा भी किया। आपको बता दें कि झड़प जिस पॉइंट पर हुई उसके ठीक नीचे उफनती हुई श्योक नदी बहती है। कई सैनिकों के नदी में गिरने की खबर आई। कई जख्मी सैनिक इलाके में शून्य से कम तापमान की वजह से अपने जख्मों से उबर नहीं पाए और शहीद हो गए। भारत की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 20 जवान शहीद हुए हैं। चीन ने अपने नुकसान को लेकर मुंह खोलने की हिम्मत अब तक नहीं दिखाई है, लेकिन खबर है कि नुकसान उधर भी हुआ है और तगड़ा हुआ है। चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। चीन के इस धोखे से पूरा देश गुस्से में है। दिल्ली में इसे लेकर कल लगातार बैठकें होती रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS और तीनों सेना प्रमुखों ने मुलाकात की, मीटिंग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी मीटिंग हुई और फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की तफसील से जानकारी दी गई। कल रात पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक ली और इस पूरे मामले की जानकारी ली। अब बड़ा सवाल यह है कि अब क्या होगा, चीन के इस धोखे का जवाब भारत की तरफ से क्या मिलेगा, क्योंकि चीन बातचीत से कम मानने को तैयार नहीं हो रहा। और हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं तीन मेहमान। हमारे साथ हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, विदेश नीति के जानकार हैं। हमारे साथ हैं कर्नल रोहित देव और पीके सहगल साहब, जो कि मेजर जनरल रिटायर्ड, दोनों रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ
आ चुके हैं लाइव बात करने के लिए, और साथ ही आपको बता दें लगातार अपडेट हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता पल पल का आपको देते रहेंगे। लेकिन पीके सहगल साहब, इस मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आगे क्या, आपका क्या कहना है? देखो, हिंदुस्तान के पास अनेकों विकल्प हैं। सबसे पहले तो हमने साफ तौर पे चीन को बताना है कि हमने किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बिल्कुल बंद नहीं करेंगे और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा हिंदुस्तान की प्राइड का, सॉवरेनिटी का और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। उन्होंने हमारी ताकत को देख लिया है, ताकत को समझ लिया है, उसका अनुभव कर लिया है। जो जवाबी कार्रवाई हमने की उसमें वास्तव में चीन को हमसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और चीन को साफ तौर पर यह भी हम बता देंगे कि जहां तक इंटरनेशनल सिनेरियो है, हम दुनिया के साथ मिलकर चीन का विरोध करेंगे। चीन को हम कंडेम करेंगे कोरोना के ऊपर, WHO में ताइवान की मेंबरशिप को सपोर्ट करेंगे, उघूर्स के ऊपर भी उंगली उठाएंगे, और अगर जरूरत पड़े तो हम ट्रेड कार्ड को भी प्ले करेंगे, ताइवान कार्ड को भी प्ले करेंगे और तिब्बत कार्ड को भी करेंगे। ये चाइना के लिए बहुत ही घातक होंगे, बहुत ही खतरनाक होंगे। और चाइना साफ तौर पर समझता है कि इस समय हिंदुस्तान जो है बहुत नाराज है। हिंदुस्तान में जबरदस्त मांग हो रही है कि चीन के गुड्स का बहिष्कार किया जाए और चीन के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चीन को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आज का हिंदुस्तान जो है वो 1962 का नहीं है। जिस माफी को वो इतनी बड़ी फौज लेके आया था, उसका मकसद था कि रहने के लिए, उसने वापस नहीं जाना था। लेकिन जब हिंदुस्तान ने उसके बराबर की सैन्य शक्ति वहां इकट्ठी कर दी, 10,000 सैनिक लगा दिए, टैंक्स लगा दिए, तोपें लगा दी, बख्तरबंद गाड़ियां लगा दी, फिर हेलीकॉप्टर्स अपाची ले आए, चिनुक्स ले आए, बोफर्स ले आए, उससे चीन को साफ तौर पर नजर आ रहा था कि हम जो है हर प्रकार से उसका मुकाबला कर सकते हैं। हमारी लीडरशिप बड़ी डिसाइसिव, बड़ी स्ट्रांग है और किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा जहां तक हमारे कोर इंटरेस्ट का कंसर्न है। और चीन को ये अपना एग्रेशन वोकेट करना ही होगा। और जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास अनेकों विकल्प हैं। कौन सा विकल्प किस स्टेज पर इस्तेमाल करती है सरकार, ये तो सरकार की डिसीजन होगी, बट ऑप्शन बहुत जबरदस्त है। और चीन को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये अगर युद्ध होता है तो चीन के हित में नहीं होगा, हमसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा। चीन इस समय पूरी दुनिया में हर प्रकार से अलग थलग है कोरोना की वजह से जी। फिर वो अलग थलग है हांगकांग को लेके, ताइवान को लेके, साउथ चाइना सी में जो मस्कुलैरिटी दिखा रहा है, उसका सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जो है OBR, वो दुनिया भर में उसके विरुद्ध एजुटेशन हो रही है। साउथ ईस्ट एशिया में बड़े प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए हैं, बांग्लादेश में कुछ कैंसिल कर दिए हैं, मलेशिया में कैंसिल कर दिए, मिडिल ईस्ट में कैंसिल हो रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज कह रही हैं कि भाई हम इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक। लेकिन सर, इस सारी परिस्थिति के बावजूद आज का सवाल यह है कि चीन ने भारत के साथ धोखा किया, और अब सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। क्या वो कूटनीतिक लड़ाई होनी चाहिए, या फिर कल ये खबर आने के बावजूद कर्नल देव के चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है, चीन उसको स्वीकार नहीं कर रहा, कोई औपचारिक बयान उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन हमारे देश में तो लोग पूछने लगे हैं कि भाई चीन को नुकसान हुआ है तो पता क्यों नहीं लग रहा, दिखाइए तो सही, बताइए तो सही। तक उस मुठभेड़ उसकी हेलो, कैन यू हियर सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी गड़बड़ है, उसको दुरुस्त करते हैं, वापस आते हैं। अशोक साहब, अशोक सज्जन हर जी, आप क्योंकि विदेश नीति को बेहतर जानते हैं, आपने चीजों को हैंडल किया है, ऐसी परिस्थिति में जब बॉर्डर पर आपके 20 जवान धोखे से मार दिए जाएं, एक देश कब तक बैठकर, भारत जैसा देश कब तक बैठकर कूटनीतिक तरीके से दूसरे देश को एक्सपोज करते रहने की रणनीति बना सकता है? केवल नहीं, देखिए रोहित, अभी तक हम केवल बैठकर उसको एक्सपोज करने की रणनीति नहीं है। जैसे आपने स्वयं ही कहा है, जो अगर हमारे यहां पर 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं तो वहां पर 40 से ऊपर का उनको नुकसान पहुंचा है। और देखिए, मैं पहला तो इसमें ये कहूंगा, जो एविडेंस है, जो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जो वहां से कोई भी फिगर नहीं आई है जो उनका कितना नुकसान हुआ है। अगर होता 5, 6, 10 होते, अगर 20 से कम होते वहां पर लोग उनके मारे गए होते, तो बिल्कुल एकदम साफ सामने आ जाते दुनिया को ये बताने के लिए, देखिए भारत के 20 हुए हैं, भारत ने 20 एक्नॉलेज किए हैं और हमारे उससे बहुत कम हुए हैं। तो मतलब हमने अपने लोगों को बताने के लिए, जो हम भारत के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई फिगर नहीं दी है, कोई फिगर देने को वो राजी नहीं हुए हैं। इसका मतलब है उनको भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। आपका जो दूसरा सवाल है, जो हमको केवल कूटनीतिक तरीके से नहीं, कूटनीतिक तरीका तो है ही है, परंतु उसके आगे हमको एक मस्कुलर तरीके से चीन का मुकाबला करना होगा, और हम कर रहे हैं,
परंतु उसके साथ अभी जो जनरल सहगल ने बताया है बहुत सारे हमारे पास विकल्प हैं, परंतु मैं दो तीन चीजें ये बताना चाहूंगा। एक तो जो सरहद पर जो उनका उनकी तरफ से ये आघात हुआ है, ये हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, उसका न केवल इस एरिया में, हर एरिया में हमको एकदम सचेत मुस्तैद रहना पड़ेगा। कुछ भी होता है तो उसका भी पूरे तरीके से जवाब देना पड़ेगा। हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स बताएंगे दैट वी आर प्लेस्ड इन अ मच बेटर पोजीशन इन मेनी ऑफ दीज एरियाज, चाहे अरुणाचल में है, चाहे मिडल एरिया सिक्किम में है या उत्तराखंड में है वगैरह, हम बहुत अच्छे उस पर हैं और इसीलिए हम उनका जवाब दे सकते हैं। दूसरा देखिए, मैं ये कहूंगा जो व्यापार एक चीज है जिसमें हम बहुत ही बखूबी चीन को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे से वो करीब $60 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। अगर उसका अमेरिका के साथ $400 बिलियन सरप्लस है तो दूसरे नंबर पर भारत आता है। और अगर आज अगर उसमें चीन में जो एक खलबली मची हुई है वो उसकी आर्थिक व्यवस्था की वजह से मची हुई है, आर्थिक स्थिति की वजह से मची हुई है। वहां पर करीब 80 मिलियन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है और वहां पर बहुत आक्रोश है वहां की जनता में, चीन की जनता में, क्योंकि चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी की लेजिटिमेसी है वो है केवल इससे जो वो आप उनको इकोनॉमिक ग्रोथ वो देते रहे हैं लोगों को। सर, लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होता है वहां पर, मेरा एक सवाल है सर आपसे, मैं वो सवाल पूछूं उसके पहले अपने दर्शकों को हम एक बात बताना चाहते हैं। जो तस्वीर इस वक्त वो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर गलवान घाटी के उस इलाके की तस्वीर है जहां पर हिंसक झड़प हुई, ठीक उस जगह तक आज तक का कैमरा पहुंचा है जिस जगह ये हिंसक झड़प हुई थी और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुल मिलाकर उस जगह की तस्वीर है, केवल आपको बता दें गलवान घाटी में, जहां हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि भारतीय टोली गई थी सैनिकों की मिलने के लिए उस कैंप में जहां चीनी सेना के लोग थे, बातचीत लगातार चल रही थी, इसलिए इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि चीन की सेना इस तरीके से घेर कर ऐसी हरकत करेगी। लेकिन अशोक जी, जो आप बात कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति 2014 के बाद से अब तक 18 बार मिल चुके हैं, यानी कि एक साल में एवरेज 3 बार उनकी कम से कम मुलाकात हुई है। भारत के प्रधानमंत्री 5 बार चीन गए, 70 साल में इतनी चीन यात्राएं किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की, फिर भी चीन ने धोखा दे दिया। से मैं तो कहूंगा जो इसको हमें एक वॉटरशेड मोमेंट मानना चाहिए, ये मेरे विचार से ऐसा अब मौका आया। देखिए, चीन हमारा बड़ा पड़ोसी है, 3488 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है, ये हमारे हित में नहीं है और मैं समझता हूं चीन के हित में भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ जंग हो, हमारे साथ रिश्ते ठीक ठाक हो, ये नहीं है जो बहुत वार्म कॉर्डियल फ्रेंडली वगैरह, परंतु ठीक ठाक मैनेजेबल रिश्ते होने चाहिए और इसी का प्रयास हमने किया है। इसका मैं आपको उत्तर दूं, जो प्रधानमंत्री वहां पर 5 बारी गए हैं, देखिए आजकल के जमाने में रोहित जी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस आ गई हैं जिसका भारत अब सदस्य है, पहले वो इंस्टीट्यूशंस या तो थी नहीं या भारत उनका सदस्य नहीं था। जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आसेम है, जैसे ब्रिक्स है। तो अगर आप कहते हैं 6 साल में भारत के प्रधानमंत्री वहां 5 बार गए हैं, 3-4 मरतबा तो वो ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग अटेंड करने गए हैं। और जो उनकी द्विपक्षीय यात्रा हुई है वो केवल 1 मरतबा हुई है, वो हुई है मई 2015 में। तो इसलिए हमको इसका अगर हम बात करते हैं तो ठीक हमको समझ कर बात करनी चाहिए। जो द्विपक्षीय यात्रा उनकी 1 बारी हुई है और जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, मैं जैसे मैं कह रहा था चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम पिछले 5-6 साल से नहीं, केवल इस अरसे में नहीं, उससे पहले भी हम बहुत प्रयास करते रहे हैं। जो हमारे उनके साथ कंपटीशन तो है, परंतु हम किसी प्रकार से जहां जहां कोऑपरेट कर सकते हैं उनके साथ करते रहे। पर मेरे ख्याल से अब ये जो है ये बिल्कुल एक वॉटरशेड मोमेंट है, ये बिल्कुल एक टर्न ओवर है, जो अब मेरे ख्याल से हालात जो हैं, जो हमारे संबंध हैं, वो बिल्कुल वैसे नहीं रह सकते जैसे कि इससे पहले थे। एक हम प्री कोविड आफ्टर कोविड की बात करते हैं, अब मेरे ख्याल से बात करनी होगी प्री जून 15 और उसके बाद पोस्ट जून 15। मेरे ख्याल से उसमें जो हालात हैं बहुत ही भिन्न होंगे
ठीक सर, जो कि इससे पहले थे। मैं वापस आपके पास आऊंगा इस सवाल को लेकर सर, कि उस समय पर जब दो देशों के बीच इस तरीके की स्थिति आ गई हो, बातचीत चल रही हो, एक तरफ तनाव बना हुआ हो, दूसरी तरफ कूटनीतिक तरीके से सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही हो, एक देश की सरकार की पहली जिम्मेदारी अपनी विपक्षी पार्टियों को एड्रेस करना होती है, देश के लोगों को एड्रेस करना होती है या उस टेंशन को एड्रेस करना होती है। मैं वापस आऊंगा आपके पास इस सवाल को लेकर, उसके पहले अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस समय श्रीनगर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अशरफ, क्या खबर आपके पास आ रही है? तनाव लगातार बना हुआ है ये बताया गया, लेकिन तनाव बना हुआ का मतलब क्या है? रोहित, बिल्कुल आपने सही कहा, तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। लद्दाख में पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, न सिर्फ गलवान घाटी में जहाँ पर ये भीषण, जो कई दशकों में पहली बार इस तरह की हिंसक झड़प चीनी और भारतीय सेना में हुई है, बल्कि दूसरे भी जितने भी पॉइंट्स हैं जिन पर तनाव की स्थिति कई सालों से चल रही है, चाहे फिंगर फोर हो, पेंगोंग लेक में दिमचुक हो या फिर DBO हो, सभी जगहों पर जो है अलर्ट कर दिया गया है भारतीय सेना को, और लगातार जो है भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट जो है वो पूरे इस इलाके में, क्षेत्र में बढ़ाई जा रही है। काफ़ी गुस्सा है उन जवानों में जिनके कमांडिंग ऑफिसर इस झड़प में मारे गए हैं, और उनको भी शांत करने की कोशिशें लगातार वहां पर हो रही है। लेकिन आपको मैं इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर ये बता दूं कि लद्दाख श्रीनगर से जो हाईवे एक ही मात्र हाईवे है जो साल में सिर्फ कुछ महीने खुला रहता है, श्रीनगर लेह हाईवे, उसको फिलहाल आम लोगों के यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ये अभी अभी हमारे पास जानकारी मिली है कि सोनमर्ग से आगे किसी भी सिविलियन वाहन को जाने की इजाज़त नहीं है और उन्हें वहाँ पर रोका गया है, क्योंकि कुछ ही एक दो महीने पहले ये सड़क खुली थी। करगिल और लद्दाख के लोग जो थे वो फिलहाल इस सड़क से आया जाया करते थे, लेकिन फिलहाल आज सुबह से इस सड़क पर सभी तरह की जो सिविलियन मूवमेंट है उसको रोक दिया गया है। क्या कारण है वो सरकार जानती होगी, और माना जा रहा है कि डिप्लॉयमेंट जो ट्रूप्स की है, जो सेना की तैनाती है, उसको देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि लद्दाख को पहुंचाने के लिए चाहे सेना हो, सेना का साज सामान हो, उसमें काफ़ी प्रक्रियाएँ होती है, काफ़ी समय लगता है, इसके लिए शायद ये कदम जो है उठाया गया है सरकार और प्रशासन की तरफ से। और जिस अंदाज से संकेत साफ आ रहे हैं कि हल्के में जो है 15 जून की घटना जो रात में घटी, उसको ना ही सेना ले रही है ना ही सरकार ले रही है, यही कारण है जो कल आपने दिन भर देखा कि इस घटना के बाद किस तरह से बैठकों का अलग अलग दौर, चाहे सेना के स्तर पर हो, सरकार के स्तर पर हो, वो हो रहा है। और सिर्फ यही रणनीति बनाई जा रही है कि इस का जवाब जो चीन ने जो हमाकत की है, इसका जवाब कैसे दिया जाए। और फिलहाल जो है सेना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उस तरह की तैयारियां भी चल रही है, और दूसरी तरफ जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि तनाव की स्थिति जो है वो बिलहाल बहुत ज्यादा बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ वानी फिलहाल जानकारी देने के लिए। अशरफ वानी बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त, श्रीनगर ले हाईवे आम लोगों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। कारण क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सोनमर्ग के आगे सिविलियन व्हीकल्स यानी कि आम नागरिकों की गाड़ियां नहीं जा पाएंगी, ये जानकारी अशरफ वानी ने अभी अभी दी है। कर्ण रोहित देव, अब उम्मीद करते हैं हम आपको सुन पाएंगे ठीक से। मेरा सवाल सर ये था कि जिस एजेंसी ने, भारतीय समाचार एजेंसी ने यह बताया कि 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, उसी एजेंसी ने यह भी बताया कि 43 चीन के भी सैनिक मारे गए हैं या बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। लेकिन हमारे ही देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि 43 मारे गए, इस पर कैसे यकीन कर ले? जी रोहित जी, इन बातों का कोई तर्क नहीं है। जो भारतीय सेना कर रही है एलएसी पे अपनी कार्रवाई, हम पे उस पर अभी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एंगल को देखना चाहिए। कितने मारे गए वो अहम नहीं है, मैं आपको खाली यकीन दिलाता हूँ, मेरे पास काफी सूचना है, मैं टीवी पे उतना नहीं बोल सकता। इतना बताता हूँ कि जितने हमारे शहीद हुए हैं उससे ज्यादा हमारे ट्रुप्स ने बिना किसी हथियार के उससे ज्यादा, काफी ज्यादा उधर खामी पहुंचाई है। ये बोलने के बाद मैं आपके सामने तीन विशेष मुद्दे रखना चाहता हूं, थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। पहला है कि जहां तक चीन का सवाल है, चीन एक बहुत ही सुनिश्चित तरीके से, आपने 2017 में डोकलाम देखा, 2018 के बाद चीन ने इस पूरे टिबेटन रीजन में जो कि उसका इलीगल ऑक्यूपेशन है, उधर उसने चेंगडू और लांगजाओ मिलिट्री रीजन को कंबाइन किया और एक कमांड बनाई। 2018 जुलाई से लेकर 19 तक काफी आले दर्जे के दस्ते और वेपन सिस्टम्स उसने इस एरिया में डिप्लॉय की। उसकी रेलवे लाइन सिंगाई तिब्बत लाइन
शिकार से यांगोंग तक आती है और 5 प्रमुख एयरपोर्ट हैं जो उसको मोबिलाइजेशन में अभी देते हैं एडवांटेज। जो मोबिलाइजेशन डिफरेंशियल है दोनों देशों का वो आज से 40 साल पहले चीन के फेवर में 100:1, 30 साल पहले भी धीरे धीरे करके वो इस लेवल पर अभी आया है कि डिफरेंशियल चीन के तरफ है कि वो अपनी फोर्सेस टिबेटन प्लेटो पे ज्यादा जल्दी ला सकता है। पिछले 3 सालों में चीन ने टिबेट के अंदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर काफी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और दस्ते टिबेट में डाले हैं और आप देखेंगे अगले 4-5 साल में ये डिप्लॉयमेंट और बेसिस धीरे धीरे LAC की तरफ आएंगे, जिसका एक प्रमुख एग्जाम्पल है जो आपने फगांसो के पास देखा उनकी जो डिप्लॉयमेंट आ गई है और गलवान के पास भी उनकी जो डिप्लॉयमेंट है जहां तक वो रोड पर आते हैं और जो कल की घटना जो हुई कल रात की देर रात की परसों शाम की उस घटना में भी इनके जो ट्रुप्स हैं ये पीछे से आए, ये गाड़ियों में ये पूरा सामान लेके तैयार थे, ये किसी मंसूबे से आए थे और यही मैं बोल रहा हूँ और जो बाकी विशेषज्ञ बोल रहे हैं ये एक सब टैक्टिकल लेवल पे विश्वासघात है। जबकि आपकी बात 6 जून को हुई एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे, उसके बाद इन चीजों को थोड़ा पीछे जाना चाहिए। जहां तक भारतीय सेना का सवाल है मैं यकीन दिलाता हूं जो कमांडर्स और ट्रुप ग्राउंड पर हैं वो भारत के देश का एक भी अंग ऐसे नहीं व्यस्त जाने देंगे। कोई पुराना समझौता 1962 की लड़ाई नहीं है कि हमारी जो सेना है उसके पास साजो सामान पूरा नहीं था, काफी साजो सामान है और कुछ चीजें जो हमारी जो सेना कर सकती है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला है जो कि इस यूनिट का जो जो कल हुआ ये हादसा, ये यूनिट वहां से एक्चुअली डी इंडक्ट होने वाली थी कुछ दिनों बाद और अभी ये यूनिट को वहां रखना चाहिए और उस यूनिट का जो कमांड एलिमेंट है जो CO है कोई पुराना CO उस यूनिट का वहां जाना चाहिए। दूसरा है जो हमारी जो सैटेलाइट व्यवस्था है, इस इंसिडेंट को हुए तकरीबन 36 घंटे हो गए हैं, अगले 12 से 18 घंटे के अंदर हमारी खुद की सैटेलाइट्स और जो हमारे जो सहयोगी देश है उनकी सैटेलाइट के जरिए और इंट एजेंसी के जरिए बैटल पिक्चर काफी क्लियर करनी होगी कि जो 3 जगह पे जहां पे ये मुठभेड़ चल रहा है यहां पे एक्चुअल डिप्लॉयमेंट LAC के पास कितनी है और क्या हमने आगे काम करना है। ट्रुप के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ड्रोन जिसमें कि इंफ्रारेड विजन हो उसकी अब जरूरत है कि हम भी मैप कर सकें कि ये घटना कैसे घट रही है और चाइना को एक्सपोज कर सकें। जहां तक आपने इस रोड की बात की जो बंद कर दिया गया है इस पे अभी आप देखेंगे हाई स्केल मोबिलाइजेशन होगी रिजर्व की। हमारे देश में इस टाइम पर मई जून जुलाई में अक्रमटाइज ट्रुप्स होते हैं हमारे रिजर्व फॉर्मेशन के कई क्षेत्रों में होते हैं, मैं उनके नाम नहीं ले सकता आपके सामने, उसकी मूवमेंट होगी माउंटेन इन्फेंट्री फॉर्मेशन की मूवमेंट होगी और जहां तक मेरा मानना है आप देखेंगे कुछ मैकेनाइज फॉर्मेशन की भी रैपिड मूवमेंट होगी चाहे वो बाय रोड हो रही हो उनके दस्तों की चाहे वो C-130 से अभी एयरलिफ्ट हो और उसके बाद आप देखेंगे चिनुक जैसे जो हमारे पास अभी साजो सामान है उसके द्वारा इनको अंडरस्लंग कुछ पॉइंट्स पे चाहे वो गलवान हो चाहे आगे हो वहां पे ले जाने की जरूरत है। जरूरत ये भी है कि जो हमारे ट्रुप्स जो अक्रमटाइज जा रहे हैं उनकी विंटर स्टॉकिंग की तैयारी की जाए। मैं समझता हूँ कि कुछ स्पेसेस हमको मिलेंगे इंडियन आर्मी को आने वाले 3-4 महीने में जो प्रोडक्टिविटी हमने दुश्मन का उड़ा लूप का मतलब हुआ उसका जो ऑब्जर्व ओरिएंट डिसीजन और एक्शन साइकिल है उसको तोड़ते हुए हमने कुछ ऐसे स्पेसेस ऑक्यूपाई करने होंगे जिससे कि जो बार्गेनिंग लेवरेज है वो हमारी तरफ आए। कोई कमजोर आर्मी नहीं है हमारी। मैं और भी चाहूंगा कि जो ITBP की आपने बात की वो अच्छा है, वो भी मेरी भी परसों कहीं बात हो रही थी वो अच्छा है कि वो रिजर्व मूव हो गए हैं और वो सिचुएशन और वो जो BOPs हैं वो बीफ अप हो रही है। ठीक। जहां तक सवाल है एयरफोर्स का कुछ रिलोकेशन आप देखेंगे अभी होते हुए और सर्वेलेंस एसेट जो है वो बढ़ेंगे LAC के ऊपर चाहे वो एयर के माध्यम से हो चाहे वो डिवाइसेज हो ग्राउंड फोर्सेज के पास। ठीक है सर। तो चीन की सेना ने एक बार फिर भारत को धोखा दिया, बातचीत करने गई फौजी टुकड़ी पर हमला किया गया। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे चीन की सेना से बड़ी साजिश के तहत हमारे जवानों पर धोखे से हमला कराया गया, क्या थी चीन के इस खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी। धोखेबाज चीन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो पीठ पर खंजर घोंपने की अपनी नियत से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। उसकी फितरत ही ऐसी है, वो दोस्ती की आड़ में धोखे की चाल चलता है, लद्दाख में उलझता है, अरुणाचल में परेशानी बढ़ाता है,
हमारे जांबाज अफसर और जवानों की शहादत के पीछे की कहानी सुनेंगे तो चीन की बदनीयती का खौफनाक चेहरा सामने आ जाएगा। सरहद पर तनाव के बीच ये तय हो गया था कि 15 जून को एलएसी के पास सरहद पर चीन सेना का जमावड़ा कम होगा। चीन की सेना गलवान क्षेत्र में अपने इलाके में वापस लौटेगी। दोनों पक्षों के बीच पहले से सहमति थी कि 16 जून को भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों की बैठक से पहले चीन की सेना पीछे हटेगी ताकि अच्छे माहौल में आगे की बात हो सके। लेकिन इस सहमति के बावजूद जब चीन की सेना में कोई हरकत नहीं दिखी तो 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना का छोटा दल चीनी पक्ष के साथ बातचीत के लिए गया। चर्चा के दौरान चीनी सेना पीछे हटने के मूड में नहीं दिखी, वो जानबूझकर टाल मटोल करते रहे। खबर है कि इसके बाद चीन की सेना ने भारतीय जवानों को घेर लिया और लाठी पत्थरों और कांटेदार तार से हमला करने लगे। इस भिड़ंत के दौरान एक भारतीय जवान की तुलना में मौके पर चीन के 3 जवान थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अचानक किए गए इस हमले का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब 3 घंटे तक दोनों पक्षों में झड़प होती रही। इस हाथापाई में कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू को गंभीर चोटें आईं। झड़प शुरू होने के बाद भारतीय सैनिकों की दूसरी टीम मौके पर पहुंची और फिर सेना ने चीन के इस धोखे पर करारा जवाब दिया। खबर है कि भारतीय सेना के पलटवार में चीनियों को भारी नुकसान पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक सेना की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हैं। चीन ने यह गुस्ताखी नहीं की है बल्कि गुनाह किया है। पहले हमारी जमीन पर कब्जा और अब दबंगई, लेकिन अब चीन को समझ लेना चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा भारत, उसकी हर चाल का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा, क्योंकि ये 2020 का भारत है। धारचूला से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। चीन से लड़ते हुए जिन जवानों ने शहादत दी उनमें झारखंड के कुंदन और बिहार के सुनील हैं। परिवारों को इन जांबाजों की शहादत पर गर्व है। हम लोग सुनने में आया कि सुबह सुबह हम लोग न्यूज देख रहे थे तो सुनने में आया कि गोलीबारी हुआ, नोक झोंक पहले हुआ उसके बाद गोलीबारी हुआ, उसमें गोली चला तो इसमें इंडिया का 2 सैनिक और 1 कर्नल शहीद हो गए, जिसमें एक हमारे बड़े भाई गांव के ही पड़ोसी दिघरा के निवासी थे वो सुनील राय, वो हमारा डेथ कर गए। कुंदन मेरा बहुत जिगड़ी याद था, जिगड़ी दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था, आर्मी में जॉब करता था, 6 साल हो गई उसकी नौकरी की। और अचानक कल चीन ले लद्दाख पे मुठभेड़ हुई जिसके कारण वो जो है शहीद हो गए। ये बड़ी दुखद घटना है और हम ग्रामवासियों के लिए पीड़ादायक घटना है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ चूँकि वो हमारे बचपन के मित्र भी रह चुके हैं तो आज ये हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है, एक दोस्त के नाते भी, एक सैनिक के नाते भी और एक भारत माता के सपूत के नाते भी। हमें शहीद कुंदन ओझा जी पर हमेशा उनके बलिदानी पर गर्व रहेगा। और हम आपको बता रहे हैं कि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे उन जवानों की जो शहीद हुए चीन के इस धोखे की वजह से। एक एक चेहरा आपको पहचान लेना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गवाई है चीन के इस धोखे की वजह से। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल हमारे साथ हैं, कर्नल रिटायर्ड रोहित देव हमारे साथ हैं और अशोक सज्जन हार साहब हमारे साथ हैं। तीनों से हम लगातार बात कर रहे हैं, मौजूदा परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आगे देश की प्रतिक्रिया इस मामले में कैसी हो सकती है, कैसी होनी चाहिए, इसकी भी पड़ताल करने की कोशिश हम इन मेहमानों के जरिए कर रहे हैं। सहगल साहब, अब जब राहुल गांधी ने भी सवाल उठा दिया कि देश को बताइए तो कि क्या हो रहा, हमारे सामने क्यों नहीं रखते आप पूरी परिस्थिति, आपको लगता है कि सरकार को सामने आकर औपचारिक तौर पर ब्रीफिंग करके सारी चीजें रखनी चाहिए सामने, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? देखो, जहां तक अपोजिशन का तल्लुक है
अपोजिशन का हक बनता है कि सरकार से सवाल पूछे, लेकिन उसका टाइमिंग और उसका डिस्क्रिशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस समय पूरे देश को एकजुट होकर सरकार के पीछे और फौज के पीछे खड़ा होना है, और ऐसे समय में इस माफी का सवाल पूछे मेरे मुताबिक गलत है। सरकार अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ टाइम पर देश के सामने सब आंकड़े साफ तौर पर रखेगी। जिस माफी की ट्रांसपेरेंसी हम दिखा रहे हैं, उस माफी की ट्रांसपेरेंसी चीन नहीं दिखा रहा। इसके अलावा मैं दो तीन चीजें और बोलना चाहता हूँ कि चीन जो है दुनिया को दर्शाना चाहता था कि एक बड़ी उभरती हुई शक्ति के ऊपर वो हामी हो सकता है। अगर वो वास्तव में हामी हो जाता तो साउथ चाइना सी में बाकी देश डर जाते, लेकिन उल्टा पड़ा। उसके धोखे के बावजूद भी हिंदुस्तान की सेना उसके ऊपर हामी पड़ी। हिंदुस्तान की सेना पहली दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड सेना है, उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान की छवि बढ़ेगी, चीन की छवि और चीन की सेना की छवि गिर जाएगी। साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया आर नॉट पुशओवर्स, लेकिन वो चीन के सामने उस माफी की हिम्मत नहीं दर्शा रहे थे जिसमें दर्शाने की आवश्यकता थी। अभी इन सब जो है इनको भी काफी से ज्यादा हौसला मिलेगा, इनको ताकत मिलेगी। और जहां तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मस्कुलैरिटी की किसी ने बात की थी, हम 80% इलाके पे हामी है, और अगर सरकार हुक्म देती है तो हम अगर रिपोर्ट करते हैं तो कई जगह पर चीन के अंदर घुस के उसकी जमीन को पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं है। अगर ट्रेड ऑफ करना पड़े और हमको जवाबी कार्रवाई में कोई चीन की जमीन काबू करनी पड़े तो मैं दावे से कह सकता हूँ 80% इलाकों में हम हामी है चीन के ऊपर। हमारी 2.25 लाख ट्रुप जो है LAC के ऊपर डिप्लॉयड है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये फुली एक्लाइमेटाइज है, बैटल टेस्टेड है। चीन में एक भी सिपाही या एक भी ऑफिसर जो है आज वो बैटल टेस्टेड नहीं है। चीन की फौज जो है कागजों के ऊपर तकड़ी है, ग्राउंड के ऊपर अगर आप इंटरनेशनल जितने भी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में जब जब हमले हुए हैं साउथ सूडान में, चीन की सेना बाहरी निकली तंबू से, और जब उनके उनके कैंप के ऊपर हमला हुआ तो अपने हथियार छोड़ के भाग गई, उनको भी हिंदुस्तानी सैनिकों ने बचाया। पूरी दुनिया में चीन की सेना का रिकॉर्ड जो है एब्सोल्युटली बदतर और थर्ड रेट है, और हिंदुस्तान की सेना के गुण गाए जाते हैं पूरी दुनिया में। वास्तव में ये चीन ने अपने धोखेबाजी से हिंदुस्तान को मौका दे दिया है ये दर्शाने के लिए कि चीन से किसी प्रकार को किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल और केवल पेपर टाइगर है। आप हिम्मत दिखाइए, उसके सामने खड़े होइए और देखिए वो झुक जाएगा। उसने सोचा था हिंदुस्तान को डराएगा, हिंदुस्तान को दबाएगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करेगा, प्रेशराइजेशन करेगा, ये चीन के लिए बहुत जबरदस्त भारी पड़ेगा। और मेरे मुताबिक इफ इट कंटिन्यूज 100% इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ जीपेंग एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइनीज आर्मी का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। मुझे पक्का यकीन है कि ये आर्मी जो है चीन के लोगों को अपने उस जीपेंग से छुटकारा दिलाएगी जिसकी आवश्यकता साफ तौर पर नजर आ रही है। और मेरे मुताबिक जीपेंग ने बड़ा गलत कदम उठाया है हिंदुस्तान को ललकारने का। हम बार बार कह रहे थे कि 62 का हिंदुस्तान नहीं है, आज 2020 का हिंदुस्तान है। हम स्ट्रॉन्ग है, हम डिसाइसिव है, और हम उस माफी के डिसीजन ले सकते हैं। सर ये बात तो हम कहते हैं कि 62 का हिंदुस्तान नहीं है, 2020 का हिंदुस्तान है, लेकिन अशोक जी बदला क्या? 1962 में भी धोखा खा गए, 2020 में भी धोखा खा गए। हम धोखा इसलिए खा गए क्योंकि हिंदुस्तान जो अनफॉर्चुनेटली है, हम हमेशा दूसरे को बिलीव करते हैं। चीन बार बार प्रूव कर रहा है कि इट इज टोटली अनट्रस्टवर्दी, टोटली अनरिलायबल, और उसको बिलीव करना एक किस्म से बहुत जबरदस्त अपने आप को धोखा देना है। जी अशोक सज्जनार जी, अशोक सज्जनार जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है जो मैंने अभी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा रोहित। अगर उस समय हम धोखा खा गए तो उस समय हमने अपनी 38,000 square kilometers की टेरिटरी उनको दे दी। वो आए अक्साई चीन में, 38,000 square kilometers की टेरिटरी अभी भी उनके पास अवैधिक रूप से है। अभी जो है अभी उन्होंने 40-45 square kilometers की टेरिटरी हमसे लेने का प्रयास किया और उनको मुंहतोड़ जवाब मिला, मतलब कि हम अपना एक भी अपनी जमीन का एक भी कतरा उनको नहीं देंगे और उसके लिए हम लड़ाई करेंगे, उसके लिए हम जूझेंगे। और देखिए मैं समझता हूं ये दो तीन चीजें हैं हमें समझनी पड़ेंगी, ये जो चीन ऐसा क्यों कर रहा है। एक तो ऐसे पॉसिबिलिटी है, मे बी वो समझता है जो सभी जो दुनिया के देश हैं वो अपने अपने प्रॉब्लम्स में लगे हुए हैं, सभी को कोरोना वायरस से दिक्कतें हो रही हैं, उसी से जूझ रहे हैं, चाहे अमेरिका है, यूरोप है, भारत है, भारत में भी केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ्स बढ़ रही हैं, हालांकि हमने काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। परंतु चीन ये समझता है जो उसने कोरोना वायरस पर कंट्रोल कर लिया है, उसकी इकोनॉमी भी ऊपर आने लगी है, तो उसके पास अब ये मौका है, एक ये स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है जो उसके पास मौका है, और उसके पास ये जोर भी है
पीएलए है, काफी वो समझता है, जो काफी सशक्त उसका फोर्स है, जिससे कि वो जो कुछ भी चाहता है, जो कुछ भी टेरिटरी हथियाना चाहता है, सबसे पहले तो ये समझना है जो चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है, जो भी दुनिया में टेरिटरीज हैं जिसको अपनी मानता है, उसने सोचा ये अच्छा मौका है जो हम जाकर उसको हड़प लें। तो न केवल भारत के विरुद्ध ये कर रहा है, पर जैसे और पैनलिस्ट ने कहा साउथ चाइना सी में भी, चाहे वो वियतनाम के विरुद्ध हो, फिलीपींस के विरुद्ध हो, मलेशिया के विरुद्ध हो, इंडोनेशिया के विरुद्ध हो, सभी के विरुद्ध वो कर रहा है। दूसरी चीज है जो उसके शी जिनपिंग के अपने आप अंदरूनी चीन में इतने ज्यादा उसके विरुद्ध आक्रोश हो गया है, क्योंकि वहां के लोग, एक जैसे मैंने पहले भी कहा, वहां की इकोनॉमी है उसको बहुत धक्का लगा है इसकी वजह से, क्योंकि 40% उसका जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो उसका एक्सपोर्ट से होता है, और एक्सपोर्ट जो उसके मार्केट हैं, चाहे अमेरिका है या यूरोप है वगैरह, वो सब एकदम ठप पड़े हैं।